हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अगर आपको फास्ट फूड खाना पसंद है तब तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं गुथे हुए गेहूं के आटे से बिल्कुल नए तरह का चटपटा रेसिपी बनाने वाली हूं, जिसे आप अगर एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ गुथा हुआ आटा। ये मेरे पास पहले से ही गुथा पड़ा हुआ था तो मैं इसी से बनाऊंगी। अगर आपके पास गुथा हुआ आटा नहीं है तो आप इसे गूंथ के भी बना सकते हैं। मैं एक बड़ा लोई ले रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा गोल करेंगे इस तरह से और इसे हाथों से फैला देंगे और इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा ताकि ये चिपके नहीं बेलते समय, और इसे हम बेलना शुरू करेंगे। इसे हमें रोटी से ज़्यादा पतला करना है, एकदम मोटा नहीं रखना है। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कितना पतला कर लिया इसे। और मैं यहाँ ले रही हूँ एक ढक्कन इस तरह से। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी ढक्कन हो, कोई भी बोतल का ढक्कन हो या कटोरी गिलास कोई भी हो छोटा साइज में, आप उसे ले सकते हैं, या तो आपके पास कुकी कटर है वो भी ले सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे नाश्ते को कट कर लेंगे गोल गोल शेप में, और एक्स्ट्रा आटा हम निकाल देंगे। इस आटे का हम फिर से इसी तरह नाश्ता कट करेंगे। अब मैं दिखाती हूँ नाश्ते को हम किस तरह से डिजाइन में बनाएंगे। तो मैं एक पूड़ी ले रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से हम एक किनारे को दूसरे किनारे से मिला देंगे इस तरह से। यहाँ पर देखिए, इसके ऊपर हम लगा के इस तरह से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, और उसके बाद दोनों अंगुली से हमें दबा देना है इस तरह से शेप देते हुए। तो एक नाश्ता मैंने बना लिया, फिर से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें बंद करना है, जैसे कोई पाइप होता है उस तरह से हमें इस तरह गोल कर लेना है। ये देखिए, और उसके बाद अब हम दोनों हाथों से इस तरह से दबा देंगे। इस तरह से हमें दबा देना है। तो ये डिजाइन शेप में आ गया। इसी तरह से हम सारे नाश्ते को बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हम बॉईल करेंगे। इसके लिए हम लेंगे कढ़ाई और इसे गैस पे रख के हम 2 गिलास पानी डालेंगे इसमें, और पानी को हम गर्म होने देंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल। कोई भी तेल आप डाल सकते हैं, कुकिंग ऑयल। इससे क्या होगा, नाश्ता आपस में चिपकेंगे नहीं, वो खिले खिले रहेंगे। और साथ में हम डाल देंगे यहाँ नमक स्वाद के अनुसार। जैसे ही उबाल आने लगे पानी में, हम इसमें सारे नाश्ते को एक एक करके डाल देंगे, और इसे ढक के लगभग 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5 से 7 मिनट हो चुका है, अब नाश्ते को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया से बॉयल भी हो गया है और ये डबल हो गया साइज में। ये देखिए, मैं आपको एक दिखा रही हूँ पास से। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। अब इसे हम एक छन्नी में छान के पानी से अलग कर लेंगे। हम कढ़ाई को फिर से गैस पे रखेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 बड़ा चम्मच तेल, और तेल के गर्म होने पर ही हम डाल देंगे इसमें 1/2 चम्मच जीरा। जीरा को चटकने देंगे और यहाँ डाल देंगे 2 कटी हुई हरी मिर्च। अब दोनों थोड़ा सा भुन जाए उसके बाद हम डालेंगे यहाँ 2 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ, और इसे लगभग 1 मिनट तक चलाएंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा देर के लिए चलाना है। अब इसके बाद हम डालेंगे यहाँ 3 मीडियम साइज का टमाटर, हमने कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अब इसे हम चलाएंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। यहाँ मैं थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक डाल रही हूँ। अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, और इसे मिक्स कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। और 3 से 4 मिनट हो चुका है, और ये देखिए टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है और मसालों में से तेल भी छोड़ने लगा है। तो इसे और थोड़ा देर के लिए भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला है मैजिक। इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है और बहुत बढ़िया लगता है खाने में। इस समय आप पास्ता मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसे डालने के बाद हमें और कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे थोड़ा देर के लिए, और हम डाल देंगे नाश्ते को। ये देखिए, हमने पानी से अलग कर लिया था इसे, और इसे हम मिक्स कर देंगे। इसे हमें अच्छी तरह से मसालों में मिक्स करना है ताकि ये पूरी तरह से लग जाए, मसाला इसमें कोट हो जाए। और ये देखिए, मैंने इसे मिक्स कर लिया है बस 1 मिनट के लिए। अब इसमें हम डाल देंगे धनिया की पत्ती। इसे ज़रूर डालें, इसमें नाश्ते में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो चलिए, नाश्ता बनके तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, नाश्ता बनके तैयार है और बहुत ही बढ़िया कलर आया है और बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में।
ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में। दोस्तों अगर इस तरह से आप घर पे अगर ये नाश्ता बना के खाएंगे तो दोस्तों बाहर का फास्ट फूड खाना आप भूल जाएंगे और बार बार इसे ही बना के खाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, बिल्कुल पास्ता जैसा लगता है देखने में और स्वाद में भी। दोस्तों अगर यह रेसिपी आपको पसंद आया तो अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।